So a very, very happy and warm welcome to all of you. This is our fifth Monsoon Art Camp by Art Heart. The whole team, we're really happy to have you back from that first camp that we had with Art Heart here. It's been 873 days since we had our last camp. यहाँ पे आके आप सब लोग एंजॉय करो, अपने अपने पेंटिंग में आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करो। No restriction, paint whatever you all want and as much as you want or as less as you want, but most important thing is you should enjoy. Our aim is to see that we promote art and artists. साल मेरा पांचवा साल है। हर साल मैं यहाँ से कुछ लेकर जाता हूँ अपने गांव, लेकिन वो क्या लेकर जाता हूँ ये तो मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगा। काम में वो थोड़ा थोड़ा मेरे आ रहा है, एक अनुभव है। About this camp, I keep heard about this from Anil Bodwal. This is one of artists. He attended this camp, I think, 2 years before, and he's saying, "Bhaiya, maza aa jayega. Us jagah pe jaake dekho. Badi energy hai, badi power hai." जब भी मैं दो आर्ट कैंप करके गया, मैं कम से कम चार पांच दिन कांदा और लहसुन नहीं खाया। इतना इफेक्ट होता है, इतना सात्विक भोजन है यहाँ का। Thank you.
youngest 1 year, so it's going to be really a very positive and interactive experience for me to be working with such artists who have such a lot of experience. ये जगह तो बहुत ही निराली और भावपूर्ण है। काफ़ी सुना है दोस्तों से, लोगों से, कि काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। ये मौका सौभाग्य मुझे मिला है, डेफिनेटली मैं उसको एंजॉय करूँगा। जब से ये आर्ट हार्ट कैंप स्टार्ट हुआ है, मैं पहले ही कैंप से थी और ये मेरा थर्ड टाइम है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और जैसे सर ने बताया कि बहुत ऑनरेबल फील होता है कि तीसरी बार इन्वाइट हुआ है। और ये जगह ऐसी है, इतनी मेडिटेटिव स्पेस है कि यहाँ के किसी भी आर्टिस्ट को काम करने के लिए अच्छी सी प्रेरणा मिलती है और बहुत ही एकदम सुंदर अनुभूति का आनंद होता है। प्यार हमको यहाँ जो मिला है वो खुदा की कसम, वो खुदा की कसम, हम न भूलेंगे मर के भी यारो। प्यार हमको यहाँ जो मिला है, प्यार हमको यहाँ जो नयन मधुर मौन मिडिव हृदय भाषु रस काव्यविदु कवि छोड़ चली।
फाइनली हम आज इस कैंप के लास्ट डे पर पहुंचे हैं. आई रियली हैड अ गुड टाइम विद एवरीबॉडी, हैड अ वेरी गुड डिस्कशंस विद सीनियर आर्टिस्ट, सो आई एम टेकिंग मेनी थिंग्स विद मी, लर्नड अ लॉट. नॉट अ यंग आर्टिस्ट, जस्ट जूनियर आर्टिस्ट, सो लर्नड अ लॉट फ्रॉम एवरीबॉडी, जस्ट लाइक आई हैड होप टू, एंड इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. द एटमोसफियर एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट अमेजिंग. माई डियर फ्रेंड, सब कुछ मिलता है लेकिन इस कैंप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम हमारा दिमाग और हार्ट उस सब चीज़ से दूर रखें, एक स्पिरिचुअल थॉट के पास जा रहे हैं. मन की शांति बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. सो वी ऑल आर बिजी विथ आवर डेली रूटीन और शेड्यूल्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने यहाँ पे आके पेंटिंग किया. आउटपुट सभी का देखने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ही अच्छा माहौल के तौर पे काम किया है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने जो देखी है, देखो बाहर मैंने भी और मेरे सभी दोस्तों ने एंजॉय किया है कैंप बाहर के भी, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि पैसा डालते हैं लोग, 5-star ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन वो अपने साथ नहीं होते कभी. यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपने महसूस की रहेगी, बिहारी सर से लेके एज ऑफ 70 प्लस से लेके एज ऑफ 14 तक या 13 तक उनका जो पोता है, उनके फैमिली के हर मेंबर अपने साथ बैठ के कैंप एंजॉय कर रहे थे, अपने साथ बैठ के खाना खा रहे थे, अपने साथ बैठ के चाय पी रहे थे. ये चीज़ बाहर के कैंप में कभी मिलती नहीं है. कुछ समय गैलरी वाले आते हैं, ऑर्गेनाइज़र आते हैं, मिलते हैं, हो गया तुम तुम्हारा पेंटिंग करो, तुम्हारा पैसा लेके तुम निकल जाओ. दे आर वेरी कैलकुलेटेड अबाउट दिस. ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिली. मुझे हमें या सभी को एक फैमिली की तौर ट्रीट किया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. बाहर और यहाँ में ये फ़र्क है, और मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी इस कैंप की है कि इकट्ठा इतने सारे लोग, इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके काम किया. और सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ी आर्ट एक्टिविटी आर्ट हार्ट ने की है, इसके लिए जोरदार ताली दो.
ये जगह छोड़ने का किसी का भी दिल नहीं करता. बट एवरीथिंग दैट्स गुड ऑल्सो हैज़ टू कम टू एन एंड एंड वी विल हैव वन अगेन सून. And I hope everyone was comfortable and enjoyed the camp and had a good time here at Chinmaya Vibhuti. Bye.